हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राहुल उमाले। यस्टरडे वाज मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 15 तारीख, गले में भी खिचखिच हो रही है, पता नहीं मौसम की वजह से। आपको दिखाता हूँ मौसम बाहर कैसे है। तो सब जगह फॉग छाया हुआ है। इंडिया में भी मैंने घर पे बात करता हूँ तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। सब लोग यहाँ पर भी सब जगह ठंडी का मजा ले रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सो लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूँ एम्स्टरडम बॉस, एक फॉरेस्ट है, काफ़ी बढ़िया फॉरेस्ट है। तो आज मैं उसका एक सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें रहेंगे, आपको दिखा दो। आप देख सकते हो ये दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी फॉग जो है वो गया नहीं है, हल्का भी बचा ही है। तो काफ़ी ज़्यादा फॉग चल रहा है आजकल इधर। एम्स्टरडम फॉरेस्ट जाने के रास्ते आपको काफ़ी सारी ब्यूटीफुल से ऐसे कनाल्स दिखेंगे, और आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है। अभी विंटर चल रहा है तो इनकी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो चली गई है, बट फिर भी इतने बेहतरीन लग रहा है ये इनका, मस्त है। बढ़िया सा डुबकी मारो और बाहर आओ। साला इधर ठंड में लोग तो दो दो तीन तीन चार चार दिन नहाते नहीं होंगे। जिस तरीके से ताजमहल की परछाई भी पानी में गिरती है, वैसे ये चर्च की परछाई भी गिर रही है। वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ताजमहल तो अपनी शान है, जैसे यहाँ दिखा तो मैंने आपको बताया, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। अभी मैं एम्स्टरडम बॉस के गेट पे पहुंच गया हूँ, ये एक दूसरा पार्ट है, तो ये अभी एक्सप्लोर करेंगे अंदर, और आपको दिखाता हूँ, आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो यहाँ से पार्क स्टार्ट होता है, ये एक्चुअली जंगल है, फॉरेस्ट है, इसके बीच में भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखा दो, बहुत बड़ा ये। ये जो फॉरेस्ट है इसमें रास्ते प्रॉपरली बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो लोग अपने कुत्तों के साथ में भी आते हैं, एकदम मस्त इनको टहलाते हैं, इधर ये एकदम घूमते हैं। इधर देखो आप, अगर आपको दिखाऊंगा आगे, तो बहुत ज़्यादा कुत्ते इधर आके एकदम मस्ती करते हैं, क्योंकि उनको अपने दोस्त दिखते भाई, तो ऑब्वियसली मस्ती तो करेंगे ही करेंगे। हम लोग भी, हमारे दोस्त आते तो हम भी तो मस्ती करते, वो भी तो यार एक जीव है यार। यहाँ पर लोग रनिंग करने आते, जॉगिंग करने आते, तो इधर बीच में अगर देखोगे तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी करते हैं लोग। काफ़ी बढ़िया एरिया है ये वैसे। जिस राह पर है घर तेरा, अक्सर वहां से हम हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। उधर जो पीछे है वो गोट फार्म है, मतलब ये पूरा गोट फार्म है, इसमें एंट्री फीस है कुछ तो देखते हैं। अभी उन्होंने बोला कि उधर वो एंट्री गेट है, वहाँ पे जाके एक बार देखता हूँ।
एक दो यूरो कुछ रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, और ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है, कम ही है, बट मास्क पहनेंगे और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। सारी जो बकरियाँ भेड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहेगी अंदर, देखते हैं। भाई साहब देख सकते हो ये बकरियाँ कितनी शानदार है। बच्चे वगैरह उनको हर्ट ना और मार ना दे, बच्चे मारते नहीं है, सब लोग उनको ऐसा चारा खिला दे। ऐसे 20 सेंट्स यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा चारा निकलेगा, फिर हम हमारी बकरी को खिलाते हैं। अभी यहाँ देखो कब से ये इंतज़ार कर रही है, तो उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने देते। तो अभी हमारी बकरी को खाना खिला के हो गया, इतनी प्यारी है देखो, मस्त है यार। इसका नाम क्या रखें? यह भी दूसरा पार्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी बकरियाँ देख सकते हो आप यार। गोट फार्म काफ़ी प्यारा है। तो कहाँ पे चढ़ गई? देखो अगर ये बकरियों को अगर खुजली वगैरह अगर आती है तो ये ऐसे ब्रश लगे तो उससे वो ऐसे खुजली उजली कर लेती है आराम से। बॉडी वॉडी पे अगर कुछ कचरा वगैरह रहेगा तो ऐसे साफ कर लेती है। मस्त है यार। देखिए ये दोनों में भी भिड़न हो सकती है, आप देख सकते हो, एक को सिंह है एक को नहीं है। देखते क्या होता है। तो अभी तो इन्होंने तो माहौल बना रहे हैं तो लड़ाई का। जैसे आप यहाँ पे अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सुपरमार्केट भी है। यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली खाने की चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको भूख अगर लगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा खा सकते हो, उस तरीके से अवेलेबल है। अभी मैं ट्राई करता हूँ ये मुर्गी को बुलाने के लिए, देखते आती है क्या। आती है क्या देखते हैं। या फिर मुझे लगता है कुछ तो खाने के लिए देना पड़ेगा इसको यार। देखो आ गई यार, मतलब रुको इसके लिए खाने के लिए लेके आते, वेट। अभी देखते अभी मुर्गी को लाया थोड़ा सा, देखते आती है क्या। भाग गए यार ये। भाग गए यार, वो आ नहीं रही, मेरे को डर गई वो। दूसरी मुर्गी को ट्राई करते, दूसरी मुर्गी को ट्राई करते, देखते आती है गए वाली मुर्गी। लो पक 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 पक, आ नहीं रही यार ये। देखो इसके लिए खाने के लिए लेके आया हूँ मैं, नहीं रे। देखो ये देखो, अभी शायद ये खाएगी। ये ले, ऐसा मतलब फेंकना पड़ता है भाई साहब। देखिए कितनी मस्त दाढ़ी है ना, ये देखिए एकदम बकरा दाढ़ी है, एकदम मस्त यार। बाबू भाई ये तो लगता है बाबू भाई जैसी दाढ़ी है। तो वो भाई बुरा ना माने, मजाक कर रहा हूँ। भाई साहब ये कौन सा पेड़ है, अगर आपको पता चले तो आप मुझे जरूर बताएं। इसमें ना पत्तियां हैं ना कुछ है, बस ये फल दिख रहे हैं मुझे। ये देख सकते हो ये कौन सा फल है, क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपको पता है तो प्लीज जरूर बताइए। दोस्त ए दोस्त बी आए। अच्छा उनके पैर देखो भाई, आपने पैर नहीं देखे होंगे यार उसके, देखो कैसे रहते हैं। पूरा फॉरेस्ट एक बार में एक्सप्लोर करना तो बड़ा मुश्किल रहता है। ऑलमोस्ट अभी आधे घंटे में रात हो जाएगी यहाँ पे, तो रात होने के बाद में ये जंगल बहुत ही डरावना दिखता है। तो उससे पहले यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे मुझे बाबू भाई की आत्मा मिलेगी और मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो बाबू भाई जहाँ पर भी हो, खुश रहो, सुरक्षित रहो और मज़े करो यार, एंजॉय। तो अभी घर पहुँच गया हूँ मैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।